अनलॉक किया अपनी माँ को भी रिसेंटली मैंने. मैं अभी भी कपड़े पहन रही हूँ अपने आप को क्लीन कर रही हूँ. ये आप हो? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी. एक चप्पल लगाऊंगी खींच के अभी. मुझसे रियल में भी बड़ी वैम्प वाइब्स आती है. क्योंकि जब इन्फ्लुएंसर का एफ नहीं आया था ये उससे पहले इन हो गई थी और इस शब्द से इनको नफरत है वाकई में. क्योंकि ये कोई शब्द क्योंकि ये इनको हम लोग तारीफ कह के कि ये डॉली और इनके बारे में हम इनके वीडियोस के बारे में बताएं हमें कोई जरूरत नहीं है. आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम 10 या 10 में. थैंक यू सो मच. बट प्लीज मुझे इंट्रोडक्शन की काफी जरूरत है. गाइस फॉलो मी एट डॉली सिंह ऑन इंस्टाग्राम. सब्सक्राइब करें. थैंक यू. पहला सवाल आपके लिए ये है नैनीताल से जब डॉली पीजी में रहने दिल्ली आई थी तब उनके लिए मतलब बड़ा मुश्किल होता जगह बस में दिल्ली समझना बड़ा मुश्किल था. फिर आपने साउथ दिल्ली के बारे में इतना कुछ जान लिया और दिल्ली की वो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन ये कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? तो पहले मुझे नहीं पता था साउथ दिल्ली क्या होता है. तीसरी वीडियो तक मुझे पता चला कि यार किस लोगों की बात कर रहे हैं. ऐसे लोग मैंने कहाँ देखे और वो था एम्पोरियो मॉल जहाँ पे इतनी सारी अमीर यू नो औरतें लोग अपने डिजाइनर बैग अपने डिजाइनर कपड़ों में उनके साथ एक दीदी भैया नैनी कोई ना कोई हमेशा साथ में होता है उनके बैग पकड़ने उनके बच्चा पकड़ने उनका हर चीज संभालने के लिए लाइक उनकी जिंदगी उनके हाथ में होती है. फल अलग है ड्रैगन फ्रूट कीवी. एग्जैक्टली उनके फल अलग है. हमने ड्रैगन पहले देखा है ड्रैगन फ्रूट बाद में देखा है. तो वहां मुझे पता चला और इसीलिए वो सुनीता निकल के आई क्योंकि मुझे लगा कि इनकी लाइफ ये अपने आप नहीं कर सकते नहीं। इनको वो एक इंसान एक क्या काफी चाहिए उनकी जिंदगी सॉर्ट करने के लिए. और फिर वहां से मुझे हल्का हल्का पता चलने लगा. फिर आई थिंक थोड़ा मैं उन लोगों के साथ रहती थी तो हम लोगों को थोड़े इन्विटेशन आने लगे फैशन वीक के फैशन पार्टियों के. तब थोड़ा जाके ना थोड़ा ऑब्जर्व भी करने लगे. अच्छा थोड़ा हम उस सर्कल में एक्चुअली फिर घूमने भी लगे तो ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग हो गए हमारे. तो क्वेश्चन टू की तरफ बढ़ते हैं. आपने निफ्ट में रैंक 3 लेके आई थी आप ऑल इंडिया. मतलब रिसर्च तो बहुत लेवल की रिसर्च हाँ. पूरी करी गई है लेकिन यहाँ पर ये समझ में आया कि आपको फैशन की बड़ी सेंस है मतलब दिख भी रहा है नो डाउट. अच्छा सवाल ये है कि आपको जब आपने बताया कि इतनी नॉलेज है फैशन के बारे में तो हम कुछ नाम बोलेंगे आपको उनको रेट करना है कि उनकी फैशन सेंस कैसी है. ओह अच्छा 1 से 10 के पैमाने पे आपको रेट करना है. तो सबसे पहले करीना कपूर खान. यार 10/10 वो तो कुछ भी पहन ले वो पजामों में भी बाहर आ जाती है ना. तो गाड़ी में तैमूर के साथ खड़ी होती है बाहर पजामों में घूम रही है. एक चश्मा लगाई थी बढ़िया काला क्या लगता है. आते हुए तो नॉर्मल आती हैं जैसे वो जाने लगती स्लोमो कर देते हैं. आज भी यही किया उनका बच्चा वो योगा कर नीचे से निकला गुफा में से निकले फिर उधर गया फिर उसके बाद स्लोमो कर दिया जाते जाते. दूसरा शख्स रणवीर सिंह. रणवीर सिंह आई वुड यार आई वुड ऑनेस्टली गिव हिम अ 10/10 ओनली क्योंकि गट्स चाहिए उस टाइप के कपड़े पहनने के लिए भी क्योंकि वो उनका फैशन सेंस अतरंगी है बट वो ओन करते हैं तो वो अच्छा है. उस जैसा फैशन सेंस कोई और कैरी कर भी नहीं सकता. नहीं कर सकता भाई. नंबर 3 पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर बताएंगे आप जेन्युइनली देना. उर्फी जावेद. उर्फी 10/10 यार 10/10 क्या 12/10 क्या है ही नहीं किसी में. वो भी एक शिद्दत वो भी एक भाई जिगरा चाहिए और प्लीज वो इतने पावरफुल तरीके से आती है बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसे क्या बोल लो क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे वो बड़ी सेल्फ अवेयर है. अगला नाम है कोमल पांडे. कोमल पांडे 110 डॉली सिंह 7/10 इम्प्रूव कर सकती हूँ बहुत हम्बल हूँ मैं. कुछ तस्वीरें हमारे पास डॉली की जो हम इनको दिखा करके जानना चाहते हैं कि उस वक्त और आज के वक्त में लोगों का इन तस्वीरों के प्रति क्या रिएक्शन है. पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये टीपू सुल्तान की छोटी ये जो आपने तलवार हाथ में रखी है ये टोपी लगा के ये कहाँ की नैनीताल या नौकुचे. एक्सप्लेन दिस फोटोग्राफ. यार ये नैनीताल की फोटो है. मैं कोमल को लेके गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनको मैं नैनीताल पहली बार घुमाने लेके गई थी और मेरा बड़ा मन था ये करने का क्योंकि सारे टूरिस्ट आके करते हैं खुद को कभी मौका नहीं मिलता क्योंकि तुम वहीं के रहने वाले होते हो राइट. तो मैंने सोचा यार इसके बहाने मैं भी कुछ अतरंगी सा पहन के खड़ी हो जाती हूँ. और मैं हमेशा ना कोमल के प्रति कोमल को मैं बड़ी प्रोटेक्ट करती हूँ मतलब उसकी बड़ी बहन टाइप रोल मेरा रहता है. तो मैंने कहा मैं क्या पहनूं मैं लड़का बन जाती हूँ तू लड़की बन जा तो मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगी मैं तेरा हस्बैंड और तू मेरी वाइफ. तो हमने पूरा कपल्स वाला वो किया ना कपल्स हनीमून पे जाके हिमाचल उत्तराखंड जैसी जगहों पे जाके ऐसे कपड़े पहन के यही करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 डॉली जो आप तिकोनी तरह से अपनी बिंदी बना लेती हो वो जो
उस तरह का जो आपने कैरेक्टर किया है, वो कैरेक्टर के बाद जो आप भाभी का कैरेक्टर करती हैं, तो कभी आपके बॉयफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड की मम्मी ने, आपकी फैमिली ने ये नहीं बोला कि बहुत वैम्प वाइब्स आती है आपके अंदर से? यार आई थिंक उनमें कभी किसी पे इतने गट्स रहे नहीं मुझे बोलने, क्योंकि मुझसे रियल में भी बड़ी वैम्प वाइब्स आती हैं। क्या कभी डोली ने सिर्फ पैसों के लिए कोई काम किया है कि नहीं चलो ये ब्रांड, चलो मैं शुरुआत है या कर लेते हैं या कुछ कि मुझे करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम किया है? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मैंने काफी काम किया है। लीजिए, ये बेबाक पल, ये जज्बा अगर आप ले आए अपने अंदर, तभी आप मिडिल क्लास से बाहर निकल सकते हैं, निकल सकते और अपर मिडिल क्लास में आ सकते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक और पिक्चर है आपकी हमारे खजाने में। हाँ। आप बचपन में भी खुद ही स्टाइल किया करती थी, तो आपकी एक बचपन की फोटो हमें मिली है। शो यू अ फोटोग्राफ। हाँ, दिखाओ दिखाओ जरा फोटो। एक आपकी बचपन की फोटो जहाँ पे आपने फाउंटेन चोटी बना रखी है ऊपर। ये मैंने बिल्कुल भी स्टाइल नहीं किया है, ये मेरी माँ ने मुझे स्टाइल किया है, क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट थी और अपने तरीके से ही सब चलाती थी। तो आप नहीं चूज कर सकते आप क्या पहनेंगे, आपकी माँ चूज करेगी, और अगर आपने कुछ भी ई आ ऊ किया तो आपको एक लगा दिया जाएगा, बस। आपकी भी स्ट्रिक्ट तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं खुद को स्टाइल करती हूँ, तो सॉरी मम्मी अब आपको मौका नहीं मिलता इस चीज को करने का। सिंपल सवालों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 7, तो आपके लिए रैपिड फायर के बहुत तेजी से सवाल आपकी तरफ फेंक रहे हैं। डॉली किसको स्टॉक करती हैं सोशल मीडिया पर? अक्सर आप अगर स्टॉक करती हैं तो किसको करती हैं? उर्फी को। उर्फी जावेद। आप वेट करते हो उनकी आज वीडियो आएगी या नहीं आएगी? हाँ यार। रिसेंटली आपने किसको ब्लॉक किया है अपने इंस्टाग्राम पे? सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे। यार ब्लॉक तो मैं बहुत इजीली कर देती हूँ यार, जिसने भी गंदा सा कोई कमेंट वमेंट मारा कुछ भी उल्टा सीधा ब्लॉक कर। अनब्लॉक किया अपनी माँ को भी रिसेंटली मैंने। कभी आपने किसी सेलिब्रिटी को डीएम किया है? काफी अभी किया था, अभी मेरी कैंडल ले लो प्लीज। कोई बेस्ट फैन मोमेंट आपको याद आता हो अभी तक का? फैन मोमेंट तो नहीं कहूंगी, अभी मैं एक अल्ट्रासाउंड कराने गई थी अपने ब्रेस्ट एरिया का, जो कि हर औरत को कराना चाहिए, प्लीज जरूर चेक कराएं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। पर वो डॉक्टर एक्चुअली मुझे पहचान गई थी जबकि मैंने एक मास्क पहना हुआ था, और जब वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर रही हैं और वो मुझसे कहती हैं, साउथ दिल्ली गर्ल, आप तो साउथ दिल्ली गर्ल हो ना, और मैं ऐसे बिग फैन यार, आप क्या एक्टिंग करते हो, थैंक यू, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। उसके बाद ये सब तो चला, उसके बाद जब मैं कपड़े पहन रही हूँ, मेरी इज्जत अभी भी, उनकी असिस्टेंट, डॉक्टर तो चली गई, उनकी असिस्टेंट, मैं अभी भी कपड़े पहन रही हूँ, अपने आप को क्लीन कर रही हूँ, ये आप हो? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, थैंक यू। आपका थैंक यू भैया इतना फेमस है, और उसी के साथ कुछ सिचुएशंस हमारे पास है, तो हम चाहते हैं कि आप इन सिचुएशंस में अपने अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग जो कीवर्ड्स है उस पर रिएक्ट करें। सो इन सिचुएशंस के हिसाब से आप बोल सकते हैं जो भी आपको लगता है कि एक वर्ड में उसका रिप्लाई रहेगा। जैसे सबसे पहले आएगा कॉमेंट में, बिन मांगे एडवाइस देने वाले लोग। बिन मांगे एडवाइस देने वाले, ओ ये थैंक यू, गेट लॉस्ट। कंटेंट की कॉस्टिंग पर मोल भाव करने वाले लोग। चीनी का मैं छोटू। इन्फ्लुएंसर तो सिर्फ पार्टी करते हैं, कोई स्ट्रेस थोड़ी होता है उन्हें, ये सोचने वाले लोग। ये सोचने वाले लोग। आपकी लाइफ तो सेट है, क्या टेंशन है आपको? एक झापड़ लगाऊंगी खींच के अभी, बता राजू इनको। फ्री में प्रमोशंस मांगने वाले रिश्तेदार या आसपास के लोग, जानने वाले लोग जो फ्री प्रमोशन की बात करते हैं, उन्हें सिर्फ मेरा साइलेंट ट्रीटमेंट ही मिलेगा। सवाल नंबर 9, काफ़ी फन लविंग पर्सनैलिटी हैं, इनके वीडियोज़ आप देखते हैं आपको पता चलता है कि हाँ बहुत घुलने मिलने के, जैसा लगेगा कि आपके घर का ही कोई व्यक्ति है जो आपको बता रहा है सच्ची बात। तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फेलो इन्फ्लुएंसर जिनका कॉन्टेंट आप देखती हैं, क्या आप उन्हें कॉल करेंगी अभी और बताएंगे कि आपने जो आखिरी रील बनाई है वो बहुत ही वाहियात बनाई है, जो आपके दोस्त इन्फ्लुएंसर हैं? स्पीकर पे फोन जाएगा। किसको कॉल कर रहे हो? अंकुश को ट्राई करते हैं। अंकुश बाहुबला सपोला नंबर 1। यस, आप वॉल्यूम चक दो जी, वॉल्यूम इतनी है। हाय बच्चा। यार तूने जो रील नहीं डाली अभी? हाँ यार, कितनी गंदी रील है। कौन सी रील डाली मैंने? तूने अभी कल परसों में नहीं डाली थी एक? हाँ
कुछ बोल रहा था, तो रैंड टाइप कर रहा था। कौन सी गंदी लीला है? अरे वो जो तूने डाली है यार अभी, पोस्ट मलोन वाली। हाँ, गंदी थी। तो काफी गंदी थी वो। कोई बात नहीं, यहाँ से व्यूज भी नहीं आए। व्यूज भी नहीं आए ना, इसीलिए नहीं आए। चल कोई नहीं, यही बताना था मुझे। हाँ यार, I just felt like मैं तेरी शुभ चिंतक बन के तेरे को बता देती। थैंक यू, बाय। सीरियसली ये बोलने के लिए कॉल किया मुझे? हाँ। क्या बकवास है? बीटी दे दी बंदे को बैठे बैठे। एक कॉल आया, बोल रहा है मेरी रील गंदी है। It's a dare, it's a dare. But they just wanted to know whether I can say this to my friends or not. Do we have that thing or not? हम बताते हैं ना एक दूसरे को ये सब। हाँ, तो इसमें क्या है? वो तो मतलब इसमें क्या है, तू बोलती बहुत अच्छी रील है तो भी मैं कौन सा खुश हो जाता, व्यूज तो आए। चल बाय। आपके पैमाने को एकदम ही नाप दिया, तू बोलती अच्छी कौन सा खुश हो जाता। अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, 10th क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसका आंसर शायद आप देने से बचो। कोशिश करना आप दे पाओ तो। कोई ऐसा ब्रांड है जिसने कॉन्टेंट टाई अप किया हो आपको, पर आपको इतना परेशान कर दिया हो कि अब आप दोबारा उस ब्रांड के साथ कभी काम नहीं करना चाहते, आपने ब्लॉक कर दिया, मुझे करना ही नहीं इनके साथ काम, वो ब्रांड का नाम क्या है? उस ब्रांड का नाम है अंकुश बाहुबली। बचाव कर। नहीं ले, बस बस करो यार, तुम नहीं ले सकती ना मैं नाम। ब्रांड का नाम ले सकते हो? नहीं ले सकते, अभी तो बोला मैं पैसे के लिए भी काम करती हूँ तो। बट डॉली थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह आंसर दिए सारे, एंड वी लव्ड हैविंग यू हियर। एक अच्छा, एक अलग ही वाइब थी इसकी, आपने बहुत ही अच्छा किया यार। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मजा आया। 93.5 बजाते रहो।